गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, हमने इससे पहले वाली क्लास में पढ़ा था लिंग। अब आज इसी क्लास में हम जानेंगे वचनम। वचनम कति भवति, वचन कितने होते हैं। तो संस्कृत में वचन जो होते हैं वो तीन होते हैं। संस्कृत में वचन कितने होते हैं? तीन होते हैं। लेकिन हिंदी में वचन दो ही होते हैं, एक वचनम और बहुवचनम। लेकिन संस्कृत में जो वचन है वो कितने होंगे? त्रिणी। त्रिणी मतलब तीन, तीन वचन होंगे। तो संस्कृत व्याकरण शास्त्रे त्रिणी वचनानि सन्ति, अर्थात संस्कृत व्याकरण में तीन वचन होते हैं। कौन कौन से हैं तीन वचन? बच्चों ध्यान से देखेंगे, पहला वचन जो है वो है एक वचनम, दूसरा है द्विवचनम और बहुवचनम। अब हम जानेंगे कि एक वचनम किसे कहते हैं, द्विवचनम किसे कहते हैं और बहुवचनम किसे कहते हैं। इनको जानने से पहले हम वचन की डेफिनेशन जानेंगे कि वचन की डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है, वचन कहते किसे हैं। तो किसी व्यक्ति वस्तु की संख्या का बोध कराने वाले शब्द ही क्या कहलाते हैं? वचन कहलाते हैं। किसी व्यक्ति वस्तु की संख्या का बोध कराने वाले शब्द ही क्या कहलाते हैं? वचन कहलाते हैं। तो सबसे पहले एक वचन है, एक वचन एक व्यक्ति या वस्तु की संख्या का बोध कराने वाले शब्द, एक व्यक्ति या वस्तु की संख्या का बोध कराने वाले शब्द ही क्या कहलाएंगे? एक वचन कहलाएंगे। द्विवचनम, द्विवचनम दो व्यक्ति या वस्तु की संख्या का बोध कराने वाले शब्द द्विवचन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? द्विवचन कहलाएंगे। यानी एक व्यक्ति या वस्तु की संख्या का बोध कराने वाले शब्द तो क्या कहलाएंगे? एक वचन। दो व्यक्ति या वस्तु की संख्या का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाएंगे? द्विवचन। और दो से अधिक संख्याओं का बोध कराने वाले शब्द, दो से अधिक संख्याओं या वस्तुओं की संख्या का बोध कराने वाले शब्द बहुवचन कहलाते हैं। जैसे मैंने कहा बालक है एक बालक, बालकौ दो बालक, बालका बहुत सारे बालक। अभी मैं आपको उदाहरणों के माध्यम से यहाँ पर सिखाऊंगा। ध्यान पूर्वक देखना है कि एक वचन कौन सा होगा, द्विवचन कौन सा होगा और बहुवचन कौन सा होगा। तो आप देखेंगे इनको पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में हम आपको बताएंगे कि एक वचन क्या है, द्विवचन में कौन से शब्द रूप चलते हैं और बहुवचन में आपको क्या रूप बनाना है शब्द रूप का। तो आप ध्यान पूर्वक देखते रहें। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वचन के कुछ उदाहरण यहाँ पर हमने दे रखे थे। इससे पिछली वाली जो वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा था लिंग, और लिंग होते हैं तीन, पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। जो पुल्लिंग है, पुल्लिंग शब्दों को मैंने यहाँ पर दे रखे हैं, और पुल्लिंग शब्दों में भी ये चार तरह से चलते हैं, अकारान इकारान उकारान और विकारान। तो सबसे पहले ये समझेंगे कि अकारान का मतलब है जिन शब्दों के पीछे अ आता है। जैसे बालक में अ आ रहा है तो अ के बाद ही विसर्ग आ रहा है, इसका मतलब ये अकारान हो गया। जिन शब्दों के पीछे ई आता है वो इकारान हो गया। जिन शब्दों के पीछे उ आता है वो उकारांत हो गया। जिन शब्दों के पीछे क्या आता है? री आता है। जैसे पित्री, पित्री शब्द में री आता है इसलिए रिकारांत हो जाएगा। वचन मैंने आपको तीन बताए थे, एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम। एक वचनम एक संख्या का, एक व्यक्ति या वस्तु की संख्या का बोध कराने वाले एक वचन। द्विवचन किसे कहते हैं? दो संख्याओं का बोध कराने वाले शब्द द्विवचन कहलाते हैं। और बहुवचन किसे कहेंगे? एक से अधिक संख्याओं का बोध कराने वाले शब्द बहुवचन कहलाते हैं। तो यहाँ कुछ अकारांत पुल्लिंग दे रखे हैं हमने। अकारांत पुल्लिंग कैसे लेंगे? बाल का है एक वचन में एक बालक, बाल का हो दो बालक, बाल का हा बहुत सारे बालक। इसी तरह से और भी हम बना सकते हैं। अश्व है एक घोड़ा, अश्व दो घोड़े, अश्व बहुत सारे घोड़े। इसी तरह से हम और भी बना सकते हैं। गज है एक हाथी, गजऊ दो हाथी, गजा बहुत सारे हाथी। अब देखेंगे इकारांत शब्द, कवि ई आ रहा है पीछे, ई आने के कारण ये क्या हो गया? इकारांत हो गया। ई आने के कारण कौन सा शब्द हो गया? इकारांत शब्द हो गया।
तो जैसे कैसे चलेगा एकांत शब्द पुल्लिंग, कभी कभी बड़ी की मात्रा आ गई द्विवचन में और कवया बहुवचन में कवया आ जाएगा। इसी तरह से उकारांत शब्द पुल्लिंग में कैसे चलेगा, साधु साधु साध पिता में कैसे चलेगा, पिता पित्रो पित्र पिता पित्रो पित्र। इस तरीके से यहाँ पर हमने तीनों शब्द रूप देखे, अकारांत इकारांत उकारांत और ऋकारांत। तो बच्चों अब हम देखेंगे स्त्रीलिंग शब्द को, ये हमने पढ़े थे पुल्लिंग शब्द तीनों लिंगों तीनों वचनों में, एक वचन द्विवचन और बहुवचन, इन तीनों लिंगों में तीनों वचनों में हमने जाना पुल्लिंग के अंदर। अब पढ़ेंगे स्त्रीलिंग में, ध्यान से देखेंगे। बच्चों अब देखेंगे हम स्त्रीलिंग, पहले देखा था पुल्लिंग शब्दों को और पुल्लिंग शब्दों में हमने तीनों वचनों में देखा था एक वचन द्विवचन बहुवचन, उसमें हमने अकारांत शब्द देखे थे। इसमें क्या है स्त्रीलिंग में होता है कि अकारांत अर्थात शब्द के पीछे आपको क्या देखने को मिलेगा आ, जैसे महिला शब्द में लास्ट में क्या है आ है, इसलिए ये अकारांत शब्द है। और इस तरह के जो शब्द होंगे वो सब स्त्रीलिंग शब्द होंगे। मैंने पुल्लिंग में आपको बताया था जिन शब्दों के पीछे अ होता है वो और विसर्ग होता है वो पुल्लिंग अकारांत शब्द होते हैं। तो ये यहाँ पर स्त्रीलिंग है अकारांत, तो स्त्रीलिंग में क्या हुआ अकारांत, उसमें छोटा था इसमें आ है, उसमें अ था इसमें आ है। तो अकारांत का मतलब जिन शब्दों के पीछे आ हो वो अकारांत शब्द कहलाते हैं। और ये एक वचन में कैसे चलेंगे, महिला द्विवचन में महिले, पुल्लिंग में क्या था ओ की मात्रा थी लेकिन यहाँ पर क्या है यहाँ पर ए की मात्रा है, तो महिले महिला महिले और महिला। तो बच्चों अकारांत शब्द में कैसे चलेंगे, महिला महिले महिला। जैसे अब मैं कहूँ घटिका, तो घटिका शब्द में कौन सा लिंग होगा स्त्रीलिंग होगा, और घटिका मतलब एक वचन, घटिके द्विवचन और घटिका बहुवचन। इसी तरह से मैं और शब्द लू, मान लो लता एक वचन हो गया, लते द्विवचन हो गया और लता बहुवचन हो जाएगा। कहने का मतलब ये कि एक महिला दो महिला बहुत सारी महिलाएं। नदी इकारांत शब्द में देखेंगे दीर्घ ई है, जिन शब्दों के पीछे बड़ी ई आए तो वहां भी स्त्रीलिंग शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे नदी नद्यो नद्यर, नदी नद्यो नद्यर। इसी तरह से उकारांत शब्द में देखेंगे जिन शब्दों के पीछे उ आता है वो क्या कहलाते हैं दीर्घ उकारांत, जिन शब्दों के पीछे दीर्घ उकारांत आता है, उकारांत मतलब उ आ रहा है ना, उ की मात्रा आ रही है शब्द के पीछे, इसलिए ये वधु कैसे चलेगा एक वचन में, वधु वधो वधवा वधवर वधु वधवो वधवर। तो उकारांत शब्द आपको पता है किस तरह से चलते हैं, वधु वधवो वधवर। इसी तरह से ऋकारांत शब्द देखेंगे, माता मात्रो मात्र है, माता मात्रो मात्र है। आपने पुल्लिंग शब्द में पढ़ा था पिता शब्द, तो पिता पित्रो पित्र है, अर्थात जिन शब्दों के पीछे री की मात्रा आती है, जैसे पित्री पुल्लिंग शब्द हो गया था, मात्री स्त्रीलिंग शब्द हो गया, तो जिन शब्दों के पीछे री आए वो शब्द क्या कहलाएंगे ऋकारांत शब्द कहलाएंगे। तो आपको ये समझ में तो आ रहे होंगे अकारांत ऋकारांत उकारांत ऋकारांत, उसमें छोटे वाले थे पुल्लिंग में और इसमें बड़े वाले हैं, उसमें अ की मात्रा थी इसमें आ की मात्रा है, उसमें छोटा ई था इसमें बड़ा ई है, उसमें छोटा उ था इसमें बड़ा उ है। लेकिन बच्चों कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनमें छोटा ई होने पर भी और छोटा उ होने पर भी स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, जैसे धेनु हो गया तो धेनु शब्द क्या है स्त्रीलिंग है, जैसे मति शब्द हो गया वो शब्द क्या हो जाएगा, मति शब्द भी यहाँ पर स्त्रीलिंग होगा। जैसे जैसे हम शब्द रूप पढ़ेंगे तो हम इसको आगे की क्लास में आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, अभी के लिए इतना ही। अब देखेंगे हम नपुंसक लिंग शब्दों को, अब हम क्या देखेंगे नपुंसक लिंग शब्दों को यहाँ पर देखेंगे, आप इनको नोट डाउन कर लो।
बच्चों मैंने आपको पढ़ाया था पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों को, और आप जान ही गए होंगे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों में अंतर करना। पुल्लिंग शब्द जो जिन शब्दों के पीछे रिश्त स्वर आते हैं जैसे अ ई उ, ये छोटे वाले आते हैं, जबकि स्त्रीलिंग में आपको दीर्घ मिलेंगे अर्थात बड़े मिलेंगे, आ मिलेगा, बड़ी ई मिलेगी, बड़ा उ मिलेगा, तो वो स्त्रीलिंग शब्द होंगे। मैंने उनको आपको बचनों में बताया, एकवचन में कैसे चलते हैं, द्विवचन में कैसे चलते हैं और बहुवचन में कैसे चलते हैं। अब पढ़ेंगे हम नपुंसकलिंग, तीसरा लिंग है नपुंसकलिंग, जिनमें ना तो पुरुष जाति का बोध होता है ना स्त्री जाति का, हमने पहले की वीडियो में पढ़ लिया है। तो नपुंसकलिंग शब्दों में जो एकवचन है, मैंने आपको बताया था नपुंसकलिंग शब्दों में पीछे अम लगता है और जिन शब्दों के पीछे अम आता है वो नपुंसकलिंग शब्द होते हैं। तो एकवचन में देखो कैसे चलेगा, ये एकवचन में पुस्तकम मतलब एक पुस्तक, पुस्तके मतलब दो पुस्तकें, और पुस्तकानि मतलब बहुत सारी पुस्तकें। इसी तरह से हम कहें कि पुष्पम एक फूल, पुष्पे दो फूल और पुष्पाणि बहुत सारे फूल। तो यहाँ पर हमने पढ़ा, और एक उदाहरण देखेंगे भवनम भवने भवनानि, एक भवन दो भवन और बहुत सारे भवन, भवन मतलब होता है घर। इसी तरह से हम ले सकते हैं कमल कमलम कमले कमलानी, एक कमल का फूल, दो कमल के फूल और बहुत सारे कमल के फूल। तो यहाँ पर हमने अकारण शब्द को जाना, अब देखेंगे इकारण जो नपुंसकलिंग होते हैं कैसे चलते हैं। वारी, वारी मतलब होता है जल, वारिणी बड़े की मात्रा है वारिणी, तो वारी वारिणी वारिणी छोटे की मात्रा रहेगी बहुवचन में। तो बच्चों इसमें और भी शब्द चलते हैं, जैसे सूची शब्द चलता है, सूची के अलावा दधी शब्द चलता है, अक्षी शब्द चलता है। तो हम जब शब्द रूप पढ़ेंगे तो इसको विस्तार से पढ़ेंगे। आगे देखेंगे उकारण, उकारण शब्द में जिन शब्दों के पीछे उ लगा रहता है जैसे मधु शब्द में लास्ट में उ आ रहा है तो ये उकारांत हो गया, तो मधु मधुनी वही बड़ी आ गई, फिर छोटी आ गई मधुनी। तो बच्चों आपने समझ लिया होगा कि इकारांत किसे कहते हैं, उकारांत किसे कहते हैं, अकारांत किसे कहते हैं और इकारांत किसे कहते हैं। तो ये तीनों लिंग हमने पढ़े और तीनों वचनों को हमने जाना। अब कुछ प्रश्नों को हम यहाँ पर देखेंगे और हल करेंगे, कुछ समझेंगे और आप स्वयं करने का प्रयत्न करेंगे। बच्चों हम कुछ प्रश्न यहाँ पर प्रश्नों से संबंधित देखेंगे, मैंने यहाँ 3-4-5 प्रश्न लिखे हैं, उनका उत्तर आप देंगे स्वयं। संस्कृत में वचन कितने होते हैं, यानी जो संस्कृत है इस संस्कृत में वचन कितने होते हैं। चत्वारी, चत्वारी मीन्स चार, त्रिणी, त्रिणी मीन्स तीन, एका है, एका मीन्स एक, द्वे, द्वे मीन्स दो। तो चत्वारी त्रिणी एका और द्वे, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है बेटा, इसमें से आ जाएगा बताइए कौन सा होगा। हाँ बिल्कुल त्रिणी ही इसमें सही है, तो उत्तर में आ जाएगा त्रिणी। आगे देखें नृपः शब्द में कौन सा वचन है, नृप शब्द में कौन सा वचन होगा बताइए, एकवचनम द्विवचनम बहुवचनम, इनमें से कोई नहीं। तो नृप है, बताया था आपको कि जिन शब्दों के पीछे आ होता है और विसर्ग होता है वो किस वचन में आते हैं, अकारांत पुल्लिंग हो गए, और अकारांत पुल्लिंग में एक वचन कैसे चलेगा निरपह, द्विवचन कैसे चलेगा निरपो, और बहुवचन कैसे चलेगा निरपह। तो इसमें कौन सा हो जाएगा सही में बताइए, निरपह एक वचन बिल्कुल सही है, एक वचन हो जाएगा इसमें, कौन सा हो जाएगा एक वचन। आगे देखेंगे बालिके, बालिके शब्द में कौन सा वचन है, बालिके शब्द में कौन सा वचन है, तो बालिके बताया था, बालिके कौन सा लिंग हो गया यहाँ पर, पहले तो लिंग पहचानो पढ़ चुके हैं हम, लिंग हो गया यहाँ पर स्त्रीलिंग, और स्त्रीलिंग कैसे चलता है, बालिका एक वचन हो जाएगा, बालिके द्विवचन हो जाएगा और बालिका बहुवचन हो जाएगा। तो यहाँ पर बालिके शब्द में कौन सा जाएगा द्विवचनम, तो उत्तर में आपको लिखना होगा यहाँ पर द्विवचनम।
इसी तरह से आगे देखेंगे बेटा, नपुंसक लिंग वाला शब्द कौन सा है। यहाँ पर पूछा गया है कि नपुंसक लिंग वाला शब्द कौन सा है, तो नपुंसक लिंग में आपको यहाँ पर चार शब्द रखने हैं, बताइए जल्दी कौन सा सही है। हाँ बताइए, सभी सोचेंगे मन में लिखेंगे, कमलानी, नरह, लता, हरी। बताया था नपुंसक लिंग के पीछे अम आता है, वो नपुंसक लिंग शब्द होता है। तो और क्या नाम से इसमें देखो, यहाँ पर मैं बताएगा पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानी। इस तरह से कमलम, कमले, कमलानी, तो नपुंसक लिंग हो जाएगा कमल शब्द, कमलम नपुंसक लिंग शब्द है। तो कमलम, कमले, कमलानी, तो कमलानी शब्द यहाँ पर क्या हो गया, नपुंसक लिंग हो गया। नरह शब्द कौन सा होगा, नरह शब्द पुल्लिंग शब्द होगा, क्योंकि तो अकारांत पुल्लिंग आ रहा है। और एक वचन हो जाएगा द्विवचन नरह का, क्या बनेगा नरो, और नरा बहुवचन हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर लता स्त्रीलिंग शब्द आ रहा है पीछे, स्त्रीलिंग हो गया, तो लता, लते, लता, इस तरह से चलेगा। इस तरह से हरी एक वचन हो गया, एकांत छोटी मात्रा है, इस मतलब पुल्लिंग हो गया, और पुल्लिंग होने के कारण एक वचन हो गया, तो हरी, हरे, ठीक है ना। इस तरह से आपको यहाँ पर बताना है, जैसे आपने पढ़ा था ना सब ग्रुप इकारांत, कवि, कवि, कवय, तो यहाँ पर भी हरी, हरी, हरे नहीं होगा, हरी, हरी बड़ाई वाला, ठीक है। तो हरी, हरी, हरया, रत्मा, तो हरी शब्द बड़ी मात्रा वाला द्विवचन में आ जाएगा, ये एक वचन हो जाएगा, द्विवचन में बड़ी मात्रा आ जाएगी, और वो वचन में हरया, जैसे आपने पढ़ा था कवि, कवि, कवया। तो बच्चों इसमें उत्तर आ जाएगा आपका अ, नपुंसक लिंग शब्द कौन सा होगा अ, तो आप इनको ध्यानपूर्वक समझेंगे। हम अब इसके बाद में जो ग्रामर टॉपिक है आपका पुरुष, उसको हम पढ़ाएंगे। इससे पहले हम आपकी पाठ्य पुस्तक की जो वंदना है उसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर लेंगे।